महाराजा मानसिंह शोध संस्थान के इतिहासकार डॉक्टर महेंद्र सिंह जी तंवर हमारे साथ हैं। तंवर साहब, आप खुद तंवर है, यानी आप तोमर वंश से हैं, तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप तोमर वंश के ऊपर कुछ प्रकाश डालें, और आपने तो तोमर वंश के ऊपर पूरी PhD की हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद रतन सिंह साहब और सब ने जय माता जी। मारो सौभाग्य है कि मैं इन वंश में जन्मी हूँ और मैंने इन वंश से माथे काम करने सौभाग्य प्राप्त हो। तो मुझे गर्व भी महसूस होता है कि एक ऐसा राजवंश जिसने हजारों वर्ष तक भारत की राजधानियों पर शासन किया और सभी को प्रभावित करते हुए अपने गौरवपूर्ण इतिहास को जो है वो रचा, और आज जिस तरीके से रतन सिंह साहब बता रहे हैं कि कैसे इतिहास के ऊपर जो है वो चोट की जा रही है, तब मुझे बहुत जो है वो ग्लानी फील होती है। और मुझे लगता है कि ये सब नहीं होना चाहिए, हमें बहुत खुले विचारों के साथ इतिहास की घटनाओं का मंथन और अध्ययन करना चाहिए, जिससे हो सकता है कि विरोधाभास और किसी तरह की कोई घटनाएं नहीं हो। तंवर साहब, विरोधाभास करने वाले अलग हैं, उनके अपने एजेंडे हैं, उनका कोई किसी का राजनीतिक एजेंडा है, किसी का सामाजिक है, किसी के आर्थिक एजेंडे भी जुड़े हुए हैं कि जैसे कि कहीं किसी जगह पे कब्जा करना हो तो वहाँ पे मूर्ति लगा दो अपना, कुछ ही किसी को कह के। मैं हम उस विवाद में नहीं पड़ते, हमारा ये है कि आप हमारे दर्शकों को तोमर वंश का जो इतिहास है, जिसके ऊपर फालतू के जो विवाद खड़े किए जा रहे हैं, उसके ऊपर जो सही तोमर वंश क्या है उस पर प्रकाश डालिए। मैंने जब अध्ययन किया तब मुझे लगभग मैंने भारत के इतिहास के जितने भी प्रमाणिक पोथियां हैं, ग्रंथ हैं, और पूर्वकालिक जितने भी विद्वान लोग हैं जिन्होंने अलग अलग राजपूत राजवंशों पर काम किया, मैंने उन सब इतिहासकारों की पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद अपने मत को जो है वो स्थापित करने का प्रयास किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर काल में, चाहे भारत के किसी भी इतिहास के काल को ले लीजिए, क्षत्रिय राजवंशों में तोमर जो हैं वो अपने आप में एक अलग राजवंश हैं। जो 36 राजवंशों की सूची है उसमें उनका एक अपना स्थान है, और उन्होंने अपनी अनवरत यानी कि 5-7 हज़ार वर्षों की गौरवपूर्ण इतिहास की श्रृंखला को जीवंत बनाए रखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि तोमरों ने अपने आप को हमेशा ये स्थापित किया है कि वे पांडवों के वंशज हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं कि उनके वंशजों के पास उनसे संबंधित बहुत सारे स्मृतियों के अवशेष हैं जो ये प्रमाणित करते हैं कि तोमर वास्तव में जो है पांडव वंशी थे, और पांडव ही आगे चलकर अर्जुनायन और अर्जुनायन के बाद जो है वो तोमर कहलाए, और तोमरों का ही अपभ्रंश है तंवर, तुंवर, तोमर। मुख्य रूप से क्योंकि तोमरों का जो शासन है वो हरियाणा प्रदेश, जहाँ आज दिल्ली और हरियाणा का कुरुक्षेत्र और ये सब जो क्षेत्र हैं वो उनकी राजधानी रहा है, और यहाँ से आगे बढ़कर वो भिंड मुरैना तक फैले हुए थे। तो यही वो एक प्रांत है जहाँ पर 5000 वर्षों की जो सभ्यता के अवशेष हैं वो ये प्रमाणित करते हैं कि तोमरों का ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो शासनाधिकार क्षेत्र था, और वहाँ उन्होंने दीर्घकाल तक जो है वो शासन किया। महेंद्र सिंह जी, आजकल एक भ्रांतियाँ फैली जा रही है कि जो पहले गुजरात का जो गुजरातरा देश था, नाम था, जो प्राचीन जो नाम था इसका गुजरातरा देश, तो वहाँ के शासकों गुर्जर नरेश कहा गया, बिल्कुल, तो उस वजह से भ्रांति फैली। अब आज की तारीख में गुर्जर एक जाति भी है, तो वो सोचते हैं कि भाई जिनके गुर्जर लगा हुआ है वो हमारी जाति के हैं, क्षत्रिय नहीं है। तो ये अनंगपाल जी तोमर जो हैं, या अनंगपाल जी तोमर, या आपका जो तोमर वंश है, इसका भी क्या कभी गुजरातरा से कोई संबंध रहा है? बिल्कुल नहीं, लेकिन चूँकि आप जानते हैं कि दिल्ली जो है वो एक केंद्रीय स्थान रहा है भारत का, जब मगध, कौसाम्बी और कन्नौज के साम्राज्य बिल्कुल कमज़ोर पड़ गए, तो उस वक्त पूरे भारतवर्ष का नेतृत्व करने के लिए दिल्ली ने जो है वो कमांड संभाली थी। तो दिल्ली जब केंद्रीय राजधानी के रूप में स्थापित हुआ, तब वहाँ के शासकों ने जब उस क्षेत्र में अपनी अपनी राजधानियाँ स्थापित की, तो आप देखेंगे कि अनग प्रदेश जो है वो कुरुक्षेत्र, इंद्रप्रस्थ और वर्तमान जो मैरोली और स्थान है, ये पूरा जो क्षेत्र है वो अनगपुर गांव के नाम से विख्यात था। और एक राजा जाउल नाम का तोमर राजा, जो भिंड मुरैना में ऐसा गढ़ का जो है वो स्वामी होता है, और प्रतिहार जो कन्नौज के प्रतिहार राजा हैं उनके वो सामंत के रूप में शासन करते हैं। तो वहीं से ऐसा से वो अपनी शक्ति बढ़ाते हैं,
और राजा जाउल ने अनकपुर प्रदेश को अपने अधीन किया और वहाँ उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया और पहली राजधानी स्थापित की, जिसे हम 736 में स्थापित मानते हैं विभिन्न स्रोतों के आधार पे। और राजा बनने के बाद उस प्रांत का जो नाम है वो राजा जाउल तोमर ने स्वीकार किया और इसी वजह से वो अनगपुर यानी कि अनग प्रदेश के शासक होने के कारण अनगपाल तोमर कहलाए। तो ये परंपरा भारत में रही है, पहले भी रही है। बहुत से ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने किसी प्रदेश पे शासन करने के कारण उस प्रदेश को उन्होंने अपने नाम के आगे या पीछे उसको जोड़ने का प्रयास किया ताकि वो उस क्षेत्र में अपनी पहचान को स्थापित कर सके। ऐसी परंपराएं रही है। और चूंकि गुजरात और दिल्ली का जो संबंध है, तो ऐसा माना जाता है कि गुजरात के जो चौलुक्य वंश के राजा हैं उनके दिल्ली के साथ संबंध रहे हैं, वैवाहिक संबंध रहे हैं, और उनकी राजधानियों का जो है वो आपस में जो सीमाएं जो है वो मिलती जुलती थी। तो कई बार वहाँ के जो गुजरात के शासक हैं वे जब बहुत अधिक पावरफुल होते थे तो दिल्ली वालों ने कई बार उनकी अधीनता में भी काम किया है। तो दिल्ली जो है वो ज़रूरी नहीं है कि स्थापित होने से लेके अंत समय तक वैसे ही पावरफुल रही। बहुत से ऐसे काल आए हैं जब दिल्ली के राजाओं का शासन बहुत क्षीण हो गया, उनकी सीमाएं बहुत छोटी हो गई। तो उस वक्त भारत की ये परंपरा थी कि एक संघ बनाया जाता था, राजपूत राजाओं का एक संघ होता था जब बाहरी आक्रमण होते थे तब। और यही चीज़ अगर हम वर्तमान में आपको उदाहरण के रूप में समझाएं तो बीजेपी जब केंद्र में शासित हैं और उसके विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं, हाँ, जो गठबंधन होते हैं, वो जो गठबंधन करते हैं वो एक संघ है। तो आज हम किसी एक बड़ी शक्ति से लड़ने के लिए गठबंधन करते हैं, वैसा ही गठबंधन जब अलग अलग शक्तियां जब कमज़ोर पड़ जाती थी तो वे सब मिलके अपने दुश्मन को हराने के लिए गठबंधन करते थे। तो दिल्ली वालों को ये श्रेय जाता है कि वो लगभग 4 बार जो संघ बनाए गए थे उन सभी संघों का नेतृत्व तो दिल्ली वालों को करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। डॉक्टर साहब, एक मेरा सवाल ये है कि लोग ये कहते हैं कि जैसे जो पहले जो शासक थे हमारे उनके लिए क्षत्रिय शब्द आया, उसके बाद में राजपूत शब्द उनके लिए प्रचारित होने लगा, तो अब जो ये लोग हैं, कई नए जो इतिहासकार हैं, वो कहते हैं साहब पूरा प्राचीन काल में तो राजपूत शब्द था ही नहीं, इसलिए राजपूत फलां हमारी जाति से पैदा हुए हैं, राजपूत हमारी जाति से पैदा हुए हैं। तो ये क्या इसमें आप इसको किस तरह से देखते हो? इसकी शुरुआत जो होती है वो 17वीं-18वीं शताब्दी में मानी जाती है। ऐसा मानना है कि जब अंग्रेज़ यहाँ आए और उन्होंने जब यहाँ के भारतवर्ष के इतिहास की खोज करनी शुरू की, चाहे वी ए स्मिथ हो या आगे चलकर कर्नल जेम्स टॉड हो, तो इन लोगों ने, और जब रॉयल एसेटिक सोसाइटी की स्थापना होती है, तब एक मत प्रचारित किया जाता है कि भारत में जो सबसे बहादुर और लड़ाकू कौम है वो है राजपूत, जिन्हें हम क्षत्रिय कहते हैं। और उन राजपूतों की जो रहन सहन, उनका खान पान, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उसको लेके उन्होंने बहुत अध्ययन किया। और फिर उन्होंने ये मत प्रचलित किया कि यूरोप के अंदर बहुत सी ऐसी जातियां हैं, स्पेशली जो सीथियन जाति हैं, जो जर्मनी और यूरोप में पाई जाती हैं, जो अपने आप को विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रजाति कहती हैं, तो उनसे इनकी तुलना करने का जो है वो उन्होंने काम किया। उन्होंने ये स्थापित किया कि जिस तरह से राजपूत यहाँ भारत में गौरवान्वित हैं, वैसे ही हमारे सीथियन हैं। यानी कि उन्होंने ये प्रतिपादित करके इस तरह से जनमानस को प्रभावित किया कि वो और हम कोई अलग नहीं है, इसलिए हम यहाँ शासन कर सकते हैं। तो ये तो उनका एक अपना पॉलिटिकल एजेंडा था जिसके तहत अंग्रेज यहाँ स्थापित हुए। और उन्होंने यही साबित किया कि साहब अंग्रेज जो हैं वो और राजपूत एक ही ब्रीड हैं। तो उन्होंने सीथियनों के साथ जो खान पान, रहन सहन, हमारी जो आचार विचार है, उनको तर्क दे के जो है वो स्थापित किया था। और उसके बाद जो भ्रांतियाँ उत्पन्न हुई वही हमारा ये आज का परिणाम है कि उसके बाद जितने भी इतिहासकार हुए उन लोगों ने हमेशा राजपूत और क्षत्रियों को अलग अलग करके दिखाया और उन्होंने ही लिखा कि आर्य जाति जो है वो विदेशी जाति है। मतलब आपका जो अध्ययन है जी, उसके अंदर आपका जितना भी अध्ययन है उसमें आपको हमेशा ये तथ्य मिले हैं कि जो प्राचीन जो क्षत्रिय शब्द था वही राजपूत हैं, बाहर से बाहरी जो नस्लें उनसे उनका कोई संबंध नहीं है। जी बिल्कुल, हम हमारा 2500-3000 साल का जो इतिहास देखते हैं तो उसमें ये सिद्ध हो जाता है कि जितनी भी जो जातियाँ पहले शासन करती थी उन्हीं की उपशाखाएँ आगे चलकर जो है वो नए नाम से प्रतिपादित होती हैं। ये हमेशा प्रचलन रहा है और इस तरह की परंपरा रही है। आज भी आप देखेंगे
तो जयपुर के जो संस्थापक हैं वो अपने आप को कछवा कहते हैं, लेकिन कछवाओं में भी बहुत वीर बहादुर उनके पुत्र हुए हैं जिन्होंने अपने नाम से नई शाखाओं को स्थापित किया है। जैसे शेखा जी हैं तो शेखा जी से शेखावटी प्रांत और ये सब चीज़ जो है वो नए रूप में स्थापित हो गई। तो वो इतने शक्तिशाली हो गए कि वो जयपुर के जो मूल शासक हैं उनके समकक्ष अपने आप को स्थापित कर देते हैं। तो यही चीज़ें उस ज़माने में भी होती थी। तो जो क्षत्रिय था, क्षत्रिय तो एक पूरा का पूरा हमारे देश की वर्ण व्यवस्था का एक शब्द है। 6वीं-7वीं शताब्दी में जब सम्राटों का भारत में शासन खत्म हो जाता है, हर्षवर्धन के बाद भारत का कोई सम्राट नहीं रहता है, भारत में 1000 के करीब छोटे मोटे राजा महाराजा स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित हो जाते हैं। तो एक सम्राट के अनेक पुत्र होते थे, उन्होंने अलग अलग इकाइयों में अपने शासन स्थापित कर रखे थे और वो सब स्वतंत्र राजा बन गए। तो हर एक व्यक्ति अपनी एक अलग पहचान स्थापित करता है, उसकी एक अलग आइडेंटिटी होनी चाहिए और इसी सोच के कारण एक वर्ग की स्थापना होती है और वो वर्ग था राजाओं के पुत्र। यानी कि जितने भी क्षत्रिय राजा थे उन सब के जो पुत्र थे उन्होंने अपने आप को कहा कि हम राजा के पुत्र हैं, यानी कि राजपुत्र हैं, इसलिए हम हमारी एक नई शाखा स्थापित करते हैं राजपुत्र। और वो राजपुत्र ही अपभ्रंश होते होते राजपूत, यानी कि राजा का पूत। हमारी आपका आपके कहने का निष्कर्ष ये है कि जो क्षत्रिय थे वही राजपूत कहलाए, वही राजपूत हैं। और राजा का बेटा यानी कि पूत को हम पुत्र बोलते हैं। हम बेसिकली पूरे भारत के जो इतिहास के लेखक या इतिहासकार हैं उन लोगों ने हमारे शब्दों को बहुत बारीकी और गहराई के साथ तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया है। अगर आप सामान्य दृष्टि से भारत की संस्कृति के शब्दों का अध्ययन करेंगे तो आपको पूरा इतिहास समझ में आ जाएगा। राजा का पूत यानी कि राजपूत, तो पूत का मतलब पुत्र ही होता है, राजपुत्र कहें चाहे राजपूत कहें, तो बेसिकली राजपुत्र यानी कि र की धमनी हमारे मुंह से जब निकलती है तो उसमें हमें थोड़ी तकलीफ होती है, जीभ में आटा आता है, इसलिए उसको सुलभ उपलब्ध कराने के लिए राजपूत शब्द का प्रचलन हुआ। जैसे कि तोमर शब्द राजस्थान में जो है वो कहा नहीं जाता था, इसलिए राजस्थान में तोमर जितने भी यहाँ प्रवास यानी कि वहाँ से जब यहाँ आए राजपूताना में तब वो तोमर से तुंवर तंवर इस तरह से अपभ्रंश होते चले गए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तोमर नहीं है, तोमरों की ही संतति हैं, तोमर ही हैं, लेकिन वो यहाँ आके तोमर से तंवर या तुंवर बन गए। तो यही शब्दों का मकड़ जाल है जिसको कुछ इतिहासकार जो चाहते थे कि वो अपने आप को एक नए रूप में स्थापित करें तो उन्होंने इस तरह की भ्रांतियों को जन्म दिया। और यही बात गुजर प्रांत के ऊपर लागू होती है। गुजर प्रतिहार कहलाते हैं, न कि गुजर जाति के प्रतिहार। यानी कि प्रतिहार तो एक पुरानी शाखा है क्षत्रियों की, भगवान लक्ष्मण के जो वंशज हैं, क्योंकि प्रतिहार का मतलब होता है द्वार पे रक्षा करने वाला, तो उन्होंने पूरे 14 बरस तक भगवान श्री राम के द्वार पे बैठ के यानी कि खड़े रह गए 24 घंटे। विश्व के इतिहास में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने प्रतिहारों के साथ में जो गुर्जर नरेश लगता है, गुर्जर प्रतिहार जो कहा जाता है, तो ये क्या आप ये मतलब देशवाची शब्द है? ये एक प्रांतवासी शब्द है, देश नहीं था उस वक्त, वो एक प्रांत था, प्रांतवासी शब्द। राष्ट्र जो है वो एक ही होता है, राष्ट्र का एक ही सम्राट होता है। तो भारतवर्ष जो था, भारतवर्ष एक राष्ट्र था और इस राष्ट्र के सम्राटों की जो परंपरा है वो 7वीं शताब्दी में ख़त्म हो जाती है, यानी कि 6वीं शताब्दी के बाद भारत में कोई सम्राट नहीं बना। और जब सम्राटों की परंपरा समाप्त हो जाती है तो उस सम्राट के जो प्रांत होते हैं उन प्रांतों पर शासन करने वाले लोग उन प्रांतों के नाम को अंगीकार करते हैं। तो गुजर प्रदेश है न कि एक जाति है, और उस प्रांत का नाम उन्होंने अपने सरने में इसलिए धारण किया क्योंकि वहाँ उन्होंने उस प्रांत पर शासन किया है, वो प्रांत उनकी पहचान थी। आज एक प्रचलन है, पिछले कई वर्षों से ये प्रचलन में था, पहले भी था और आज अब धीरे धीरे कम भी होता जा रहा है, इसकी वजह भी अलग अलग है। तो हर व्यक्ति जो है वो अपनी पहचान जाति से नहीं रखता है, गांव से रखता है। मैं अगर मेरा परिचय दूंगा तो महेंद्र सिंह खेतासर लिखूंगा मैं कि भाई मेरा गाँव खेतासर है जिससे मेरी पहचान है। और इससे पूर्व अगर मेरा कोई गांव रहा है, मेरे पूर्वज अगर परिचय देंगे तो वो उस नाम से जाने जाएंगे। इतिहास में कहीं पर भी जाति नहीं लिखा जाती थी, वहाँ उसके प्रांत से उसकी पहचान होती थी। तो इसी वजह से सभी क्षत्रियों ने अलग अलग प्रांतों पे अलग अलग राजकुमारों ने जब अपना आउटस्टैंडिंग काम किया, अतिरिक्त जो उन्होंने उपलब्धियाँ हासिल की, तब उस प्रांत को उन्होंने अंगीकार किया। और आज उस प्रांत के उस शब्द का जो है वो दुरुपयोग हो रहा है किसी अन्य राजनीतिक लाभ के लिए। तो आप थे डॉक्टर महेंद्र सिंह जी तंवर, आप इतिहासकार हैं और आपका कहना है कि जो प्राचीन काल के जो क्षत्रिय थे उन्हीं को बाद में राजपूत कहा जाने लगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राजपूत बाहर से आए, ये सारे के सारे विदेशियों ने जो भ्रांतियाँ फैलाई है उन्हें अपने आप को यहाँ पे स्थापित करने के लिए इस तरह की भ्रांतियाँ फैलाई थी।
जिनका कोई लेना देना नहीं है। और जहाँ तक ये किसी सम्राटों के पास साथ में जो ये प्रदेशवाची जो शब्द लगे हुए हैं, जैसे प्रतिहारों के साथ गुर्जर प्रतिहार लगे या जो भी लगे हुए हैं, ये डॉक्टर साहब का कहना है कि पूर्व के अंदर जितने भी जो नागरिक थे या फिर जितने भी जो राजा थे वो प्रदेश के नाम से यानी उस स्थान के नाम से जाने जाते थे, अपनी पहचान वो स्थान के नाम से रखते थे, इसीलिए उस स्थान के जितने वासी थे वो सारे के सारे वो एक ही टाइटल लगाते थे जो वर्तमान में उनकी जातियां बन गई। यही कारण है कि एक ही जाति के लोग आपको राजपूतों में भी मिलेंगे या दूसरी जातियों के अंदर भी मिलेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि एक ही टाइटल के लोग आपको विभिन्न जातियों में मिलेंगे। इसका सीधा सा सीधा कारण है स्थानवाचक शब्द को अपनी पहचान बनाने के लिए अंगीकार करना। तो जुड़े रहे हमारे साथ, हम फिर इसी तरह की जानकारी लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।